एमएस धोनी पाकिस्तान पर अकेले ही भारी, 1100 मैच खेलने वाले विरोधी कप्तान भी आशा है। दोस्तों क्या है पूरी खबर बताएंगे इस वीडियो में पूरी डिटेल में, लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक बेहतरीन कप्तान व खिलाड़ी मानते हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप का आगाज हो चुका है, टीम इंडिया ने अपने दोनों अभ्यास मैच जीत कर दिखा दिया है कि वह अभी से फॉर्म में है और T20 वर्ल्ड कप जीतने की दावेदार है। वहीं दोस्तों टीम 24 अक्टूबर को पहले मुकाबले में पाकिस्तान से भिड़ेगी। T20 के रिकॉर्ड को देखें तो टीम ने 8 T20 मुकाबले पाकिस्तान के खिलाफ खेले हैं। सभी मैचों में कप्तानी एमएस धोनी ने की और 7 मुकाबले जीते भी। इस दौरान उन्होंने बतौर कप्तान शोएब मलिक, मोहम्मद हाफिज और शाहिद अफरीदी को हराया। इन खिलाड़ियों के पास 1100 से अधिक T20 मैच खेलने का अनुभव है। मलिक और हाफिज वर्ल्ड कप में उतर रही पाकिस्तान टीम में शामिल भी हैं। ऐसे में टीम इंडिया के मेंटोर धोनी टीम के लिए अहम हो सकते हैं। टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 2007 वर्ल्ड कप में 2 बार हराया, पहले लीग मुकाबले में और फिर फाइनल में। इस दौरान पाकिस्तान की कमान शोएब मलिक के पास थी। 2012 T20 वर्ल्ड कप के एक मैच में फिर टीम ने पाकिस्तान को पटकनी दी, तब कप्तान मोहम्मद हाफिज थे। 2012 में पाकिस्तान की टीम भारत के दौरे पर आई थी, उस समय हुए एक मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 11 रन से मात दी थी, तब भी कप्तान हाफिज थे। 2014 के T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से मात दी थी, कप्तान मोहम्मद हाफिज ही थे। इसके बाद 2016 में एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप के दौरान शाहिद अफरीदी के पास टीम की कमान थी। दोनों मैचों में टीम इंडिया को जीत मिली थी। दोनों के बीच T20 में अंतिम भिड़ंत 2016 के T20 वर्ल्ड कप में हुई थी, तब टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया था। अब कोहली के पास टीम इंडिया की कमान है। पाकिस्तान के बाबर आजम और टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली पहली बार T20 वर्ल्ड कप में कप्तानी करते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल दोस्तों देखने वाली बात होगी कि क्या पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया अपने इस विजय रिकॉर्ड को कायम रख पाएगी या फिर उसे पाकिस्तान के हाथों हार झेलनी पड़ेगी, या देखने वाली बात होगी। दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। क्रिकेट के अन्य तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।